मित्रों, टू बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे आएगी तब 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दैट इज अननेसेसरी एंड दैट शुड बी गिवन टू ओबीसीज एंड अदर्स। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये कर्नाटक में इन लोगों बीजेपी की सरकार ने स्क्रैप किया और अब अमित शाह का ये बड़ा बयान आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में हुई थी तो आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों ने एक न्यूज़ को कैरी किया था कि भारत के वज़ीर आज़म ने बीजेपी के लोगों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात करो। अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें, इसलिए कि तेलंगाना में जो रिज़र्वेशन मिल रहा है बीसीई कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट हैं उन कास्ट को मिल रहा है, और पीएस कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर इंजीनियर स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना के ओबीसी कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? भाई, अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में DYSP पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, RDO बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कॉन्स्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते? क्यों मुसलमानों को एलिनेट करना चाहते? और भारत के होम मिनिस्टर से और भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछना चाह रहे हैं कि तेलंगाना के असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि तेलंगाना के शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 6% से 9% कर दिया जाए, आप क्यों उस पर खामोश बैठे हैं? बताइए, करिए ना आप। और दूसरी बात, तेलंगाना के असेंबली में मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको 12% रिजर्वेशन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक्ट बनाया गया, उसको होम मिनिस्ट्री में है, अमित शाह क्यों जवाब नहीं दे उसका? और आपने कर्नाटका में निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभी तक वो नहीं जानती क्या बीजेपी? तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीका है
कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। वो उनकी गरीब जो कास्ट है मुसलमानों में, उनके बच्चे पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एम्पावर ना हो। इसीलिए तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुस्लिम एमपी है, ना बीजेपी के पास ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। ये उनकी खुली खुली नफरत की निशानी है। और ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसअपियरेंस बीजेपी कर रही है मुसलमानों के लिए। कर्नाटका की आप मिसाल दे रहे हैं, कर्नाटका में वो जो इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर आप कास्ट को निकाल सकते हैं क्या? रिजर्वेशन निकाल नहीं निकाल सकते, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अच्छा, वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। आप दीजिए पब्लिक डोमेन रिपोर्ट लिखे कर्नाटका की। तेलंगाना में तो ये है फैक्चुअल पोजिशन, ये है जो भारत के होम मिनिस्टर सच्चाई को नहीं बयान किए। एक और बात भी बोले होम मिनिस्टर कि केसीआर की जो कार है, बीआरएस की कार है, वो ओएसी के स्टीयरिंग से, ओएसी उसकी स्टीयरिंग चलाते हैं। बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में आरएसएस के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, जहाँ पर उनकी सत्ता है वहाँ पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाती घर होता है उनके घर को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। गोश के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश के नाम पर जुनेद और नसीर को ज़िंदा जला दिया जाता है। देश में आज बेरोज़गारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। आज हम सबसे ज़्यादा, हमारे पास पूरे विश्व में अगर नौजवान बेरोज़गार हैं तो भारत में हैं। चीन हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठ चुका है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के सिपाहियों को मार रहे हैं। ये इस पर बात नहीं करती अमित शाह, इस पर बीजेपी बात नहीं करती, मगर मुद्दा क्या है? मुसलमान से ख़तरा है, मुसलमान को हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, ये उनकी पॉलिटिक्स है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा चल रही है सर, कहा माना यह जा रहा है कि अगले चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा। और दूसरा सर, रिजर्वेशन के सवाल पे अमित शाह का कहना है कि मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी स्कीम के दिया जा रहा है। देखिए एक मिनट, तेलंगाना, मैं फिर से आपके समझाने के लिए और आपके सुनने वालों के समझने के लिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में रिलीजन के ऊपर नंबर वन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको मिल रहा है, जिसमें बता दिया गया कि ये कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तीसरा, किस बुनियाद पर मिल रहा है? कृष्णन साहब ने, लेट कृष्णन साहब जो सोशियोलॉजी के एक माहिर हैं, जो मंडल की रिपोर्ट में बनाने में उनका रिपोर्ट था, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उस पर 4% मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। तो बीजेपी का ये जो बाजा बज रहा है कि रिलीजन के नाम पर मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में जो कास्ट है उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा की रिपोर्ट है, नंबर वन। नंबर टू, तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के की गवर्नमेंट ने सुधीर कमेटी बनाया। उस सुधीर कमेटी ने मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की एक एम्पिरिकल डेटा की रिपोर्ट बनाई, जिसको तेलंगाना की बीसी कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और 12% रिजर्वेशन देने के लिए बात की, जिसको तेलंगाना की असेंबली ने इसको एक्ट बनाकर, रेजोल्यूशन बनाकर मिनिस्टर होम अफेयर्स भेजा, जहाँ पर अमित शाह साहब मिनिस्टर हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब का, तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन और एक्ट पास करके भारत की सरकार से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, सोशल जस्टिस मिनिस्टर से पूछा गया, बताया गया, डिमांड किया गया कि ये तेलंगाना सरकार का डिमांड है कि शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन 6-9% किया जाए, आप क्यों नहीं करते? आखिरी बात, मोदी सरकार 50% रिजर्वेशन को पार क्यों नहीं करती? ब्रेक करिए इस बैरियर को 50% के। आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो भारत की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे हैं आप, जो भारत की आबादी का 80% हिस्सा है उनको 50% क्यों दे रहे हैं आप? 50% ब्रेक करिए, बताइए कि आप रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं पूरे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को? आपकी मोहब्बत है ही नहीं उनसे। जब चुनाव आता तो आप बताए थे कि मोदी जी ओबीसी हैं, अरे भाई 50% की लिमिट को ब्रेक करिए, पार्लियामेंट में कानून बनाइए, आपके पास 300 एमपी हैं, ब्रेक करिए। हम डिमांड करते हैं 50% रिजर्वेशन को ब्रीच होना चाहिए। आप सेंसस की रिपोर्ट नहीं लाते ओबीसी की, डरते हैं आप देने के लिए, क्योंकि मालूम हो जाएगा कि ओबीसी का सेंसस कितना है।
और जब ओबीसी का सेंसस बढ़ के मालूम हो जाएगा तो आपका पॉलिटिकल पावर आपका आपसे छीन लिया जाएगा। मोदी जी की कैबिनेट में सबसे ज़्यादा अगर मिनिस्टर हैं तो अपर कास्ट के हैं, ओबीसी क्यों नहीं है बताइए, एससी क्यों नहीं है बताइए, आप जब खड़े होकर बोलते हैं एससी एसटी की तो मिनिस्टर क्यों नहीं आपके, ज़्यादा तो अपर कास्ट के लोग हैं मोदी जी कैबिनेट में। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किरण रिजिजू का कहना है कि जल्द ही लाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस देश को इन चीज़ों की ज़रूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है, आप नहीं करना चाह रहे उस पर, हम कहाँ से कहाँ गिरते जा रहे हैं, हमारे जो जो पैरामीटर्स हैं तो हम कहाँ से कहाँ गिर रहे हैं, सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए, उसकी ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप के नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप, जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते, एब्सोल्यूट राइट फंडामेंटल राइट है ये संविधान में, आप कल्चर में नहीं छीन सकते मुझसे, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, चाहे मेरे शादी का तरीका हो चाहे मेरा जो भी हो, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है 29 के तहत, आप कैसे छीनेंगे मुझसे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप लव जिहाद के कानून बनाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो और आपको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते, आप रिलीजियस कन्वर्जन के कानून को बनाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते और गुजरात में कोई अपना घर नहीं बेच सकता जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते और हिमाचल प्रदेश में जाकर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते तो क्या कोई जाके नॉर्थ ईस्ट में उनके कल्चर को छीनेंगे आप, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को उनका कल्चरल प्रोटेक्शन दिया है, आप करेंगे क्या उसको। एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है सर पूर्व सांसद अतीक अहमद के डेथ का, कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि तीनों शूटर थे इलाहाबाद प्रयागराज जाने से पहले ये लखनऊ गए थे, आपने सवाल खड़े किए हैं, अभी तक आपको जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब आपको दिखा। मेरा बोलना यही है कि ये एक टेररिस्ट मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है, ये सिर्फ ये ग्रुप नहीं है जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जो सरकार सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, अगर वो इस टेरर मॉड्यूल को ख़त्म नहीं करेंगे कानून के दायरे में रहकर, तो ये और हत्या करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे, गोलियां मारेंगे, ये एक टेरर मॉड्यूल है, इनको आप रोकिए, इनको पूरों को पकड़िए। मैं नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आईजी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि ये इन तीन लड़कों ने कम से कम 500 राउंड की फायरिंग की होगी, ट्रेनिंग की होगी, तब जाकर इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी में उन दो लोगों का हत्या कर दी। नेशनल लेवल शूटर है, वो कह रहा है कि कम से कम इनको 1000 राउंड की ट्रेनिंग मिली होगी। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इसको बात को समझने की ज़रूरत है और ये समझना है कि ये लोग रेडिकलाइज कैसे हो रहे हैं। तो हम जो पार्लियामेंट में मैंने स्पीच देकर कहा था कि हर समुदाय के लोगों के रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाइए, आप नहीं बनाते, आप सिर्फ एक ही समुदाय का बनाते हैं, जो लोग जिनके घर पर रहने का छत नहीं है, उनके माँ बाप के पास जो झोपड़ी में रहते हैं, 8-8 लाख की दो वेपन, 16 लाख कहाँ से आए उनके पास। और योगी सरकार उस लेटर जो हत्या जिसकी की गई है, उसने एक लेटर भेजा उसके वकील ने, जिसमें उसने कहा कि मेरी हत्या का जिम्मेदार कौन है, योगी सरकार मीडिया को दे देना, वो लेटर पहुंच चुका है उनको, बता दे कि कौन उसने मरने वाले ने क्या लिखकर भेजा कि इसके हत्या हुई थी, कौन किया उसको, जिम्मेदार कौन है, बता दीजिए आप। सीएम योगी ने बोला है सर माफिया। हाँ, मेरे एक बैठे मैं ये सवाल पूछ रही थी कि जिस तरीके से हाल में बीजेपी ने ये कहा है कि जो कुछ आप यहां पर अपनी कंडोलेंस मीट किया है झूठ बोल रहे हैं, आखिरी झूठे हैं, दे आर लाइंग टू देयर टीथ, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई है,
कंडेमनेशन हुआ है, इसलिए कि यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी और वो यूपी सरकार जो कहती गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने दो लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे, उसका कंडेमनेशन हो रहा है। उसके सवाल हम उठा रहे हैं कि कैसे ये लोग आए, कैसे इनके हाथ में हथियार कहाँ से आया, इतने राउंड गोलियाँ कहाँ से आईं, 8-8 लाख का इलीगल वेपन है, 16 लाख उनके पास, किसने दिए उनको वो गोलियाँ, किसने दी उनको, किसने उनको जगह बताई वहाँ पर, किसने उनको कहा कि इस जगह पर ये लोग आ रहे हैं, ये हम सवाल उठा रहे हैं। कंडोलेंस कहाँ पर हुआ है बताओ, कहाँ पर कंडोलेंस हुआ है? हाँ, जिन लोगों का जनाजा गया था वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था, वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था जनाजा, कि देखो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं, ये हम बोल रहे हैं। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह के बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है, आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे वो लोग मारे हैं। आप बोलते नहीं हम सस्पेंड कर दिया, अरे वो क्या है सस्पेंशन? आप भारत के संविधान के तहत 311 जो है उसको इस्तेमाल करके उनको सर्विस से निकालिए उन लोगों को। आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर आप योगी सरकार बोले कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने तैयार है, आप सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स तश्कील दे दे, टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए, क्यों छुपा रहे आप? सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बोला है कि माफिया अतीत हो गए, माफिया अतीत हो गए, पास्ट हो गए, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। झूठ बोल रहे हैं। दंगे आज भी यूपी में हो रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए आधे मिनट की, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी में कितने दंगे हुए हैं और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो बार बार बोलते ना कि यूपी में दंगे नहीं हुए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं जो हम आपके सामने आधे मिनट, हाँ सुन लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा ये बताता है 2027 और 2021 में 30,040 राइड्स हुए हैं यूपी में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है 2017 से 2021 में, बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, 35,040 कम्युनल फिरके वाराना राइड्स हुए हैं, ये जो अमित शाह के मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बताइए आप, हाँ 2012-17 का फिगर भी है, मगर 2017 और 21 में आपकी सरकार है, 35,000 कम्युनल राइड्स हुए, क्यों झूठ बोलते हैं? आप कहते हैं कि अतीत कोई हो गया, भाई आपकी कस्टडी में वो अतीत हो गया ना, तो आपको खुशी हो रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं क्या उनकी मौत का, उनको जो गोली मारी गई आपके स्टडी में? ये आपका सत्ता है, ये आपका गवर्नेंस है, इस तरह आप अतीत करना चाहते हैं किसी को? मालेगांव में आप ही के नेता ने कहा है कि 2-4 मुसलमानों को मारकर जो है आप हिंदू देश नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहा है? ये सब आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो गांधी, अंबेडकर और भारत के जो मुजाहिदीन आज़ादी से मोहब्बत करते और करते रहेंगे, वो तो हिंदू राष्ट्र की नहीं बात कर रहे हैं। जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वही तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए आप क्यों, कब, कैसे बात कर रहे हैं? जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, ये देश जो संविधान में हमने कहा कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, इस देश में लड़ाई होगी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के लिए। आप इस लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, जस्टिस को बीजेपी मानती है नहीं मानती, बताइए हमको। नहीं, उनका ये कहना कि 2-4 लोगों की, हाँ देखिए मौत तो हुई ना 2 लोगों की, आपकी कस्टडी में हुई, मेरी कस्टडी में तो नहीं हुई ना, गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, यूपी गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्टेट की कस्टडी में, उनकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए हैं, आपकी कस्टडी में मौत हुई ना, कोई लोग आसमान से तो नहीं आए, वो उन लोगों ने, ये मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने उनको मारा है वो एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है,
वो टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है, याद रखिए इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि ये रेटरिक है, ये आप अपने पेरल पे ले लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये रेडिकलाइज लोग हो चुके हैं जो बंदूक से अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को, गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए खतरा है। इस तरह के लोग जो बंदूक और गोली इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करके अपने आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट किस लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए, सीआरपीसी एविडेंस किस लिए, जजेस किस लिए हैं? अगर ये लोग तय कर लेंगे सब चीज़ को, किसकी हत्या करना है, किसकी हत्या नहीं करना, किसको अतीत बना देना। सर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन यूनिटी का के मुहिम में जुड़े हुए हैं, ममता बनर्जी से बंगाल में मुलाकात हो रही है, कोलकाता में मुलाकात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के चीफ से ही मुलाकात हुई अखिलेश यादव से। आप इस अपोजिशन यूनिटी को कैसे, आपने पहले भी इस पर बात की है लेकिन फिर से हम जानना चाहेंगे, ये जो आप विजिबल एक यूनिटी की मीटिंग दिख रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इब्तदाई इश्क़ देखिए आगे होता है क्या, अभी बहुत से लंबे फासले हैं, हुनूस दिल्ली दूरस्त है अभी। मतलब अगर आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मेरे को कहाँ बुलाएंगे, बुलाएंगे तो नहीं, देखिए मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनको मेरी सच्चाई से उनको नफरत है, उनको मेरी सच्चाई से नफरत है। और सच्चाई क्या है, नीतीश कुमार कितनी मरतबा बीजेपी से मुख्यमंत्री बने, कितने मरतबा छोड़े? मैं अरे अरे आप अब कल का कौन गारंटी देगा? आप देंगे? आप लोग देंगे? देश देगा क्या? आप तो असेंबली में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, चले गए। आप चले गए, आपने कहा था असेंबली में खड़े होकर मिट्टी में मिल जाएंगे, आप चले गए। भाई आप खुद ही उस पर स्टैंड नहीं करते और फिर आप उल्टा बीजेपी के साथ चले जाते हैं आप, तो देखिए। तो आपको अभी प्रैक्टिकल नहीं लगता सर ये? कांग्रेस एंटी बीजेपी की बात हो रही है और तीसरा सगम ये बन रहा है, तो आप कैसे, आप एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस फ्रेंड बन रहा है, दोनों के लिए अलग करके तीसरा मोर्चा बन रहा है, तीसरा मोर्चा बन रहा है। अब आप अगर आप मतलब तीसरा एक तरीके से यूनिटी बन रही है, तो ऐसे में आप एक तरफ कहते हैं कि आप कांग्रेस में भी नहीं है, भाजपा में भी नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाजपा को हराना है तो सबको एकजुटता दिखानी है, जब सब एकजुट हो रहे हैं तो आप क्यों उनसे अलग दिख रहे हैं? नहीं, एक कहाँ हो रहे हैं, एक कहाँ हो रहे हैं, कौन कह रहा है एक हो रहे हैं? मुलाकात हो रही है। हाँ मुलाकात हो रही है, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, समोसा खाएंगे, घर जाके सो जाएंगे, और क्या होगा, और क्या आप ये कहना चाह रहे कि वो मीटिंग का कोई रिजल्ट? अरे बहुत सी मीटिंग हुई है ऐसी, कितने मरता मीटिंग नहीं हुई है, बहुत मरता मीटिंग होती, उसके बाद क्या होगा? 24 के बाद क्या होता नहीं मालूम ना, अभी तो 24 बहुत दूर है। लेकिन भाजपा से लड़ना है तो सबको एकजुटता दिखानी है, फिर आप ये कहते हैं तो फिर भाजपा से जब लड़ना है तो चेहरों की बुनियाद पर मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते आप, नंबर वन। हम शुरू से, मेरा मानना है, अगर आप बोलेंगे ये चेहरा ये चेहरा ये चेहरा, तो मोदी को फ़ायदा हो जाएगा, भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। आपको मुकाबला करना है तो भारत के पार्लियामेंट की हर सांसद की सीट के ऊपर बीजेपी से मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद है। ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आप आइडियोलॉजी पे कहाँ स्टैंड करते हैं, आप में और बीजेपी की आइडियोलॉजी में एक विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। वो विजिबल डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? बताइए, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आप तो सबसे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बंगाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, मगर आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर एक 100 साल मदरसा है जिसका नाम मदरसे अजीज़िया को जला दिया गया, आप वहाँ पर जाकर विजिट नहीं करते? अरे वहाँ जाकर तो विजिट करिए, आइडियोलॉजी के पर दिखाइए ना, हम आइडियोलॉजिकली डिफरेंस है बीजेपी से, डिफरेंट है, आप दिखाते नहीं है। अच्छा, आप बिहार में कानून बना रहे हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए जो एक आ, 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 एक सिविल सर्वेंट की हत्या में जिनको सजा हो गई थी, अब उनको छोड़ने के लिए कानून बना रहे हैं? वे आपका स्टैंड क्या है आइडियोलॉजिकली बताइए आप। ठीक है, मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजिकली हराएंगे या सिर्फ आप ऐसे फ्रंट बना के हराएंगे? मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी पर जब मुकाबला होगा तो कामयाबी मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के विकास अघाड़ी को लेकर जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि आज अघाड़ी है लेकिन आगे क्या होगा, संजय राउत ने भी कहा सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। वो वही कुछ बोल सकते हैं शरद पवार साहब ही,
बोल सकते हैं, उनकी पार्टी के बारे में मैं नहीं बोल सकता। अडानी से भी मिले होंगे? हाँ, अडानी से भी मिले। वो उनसे पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? सर, आपकी जो स्टेट में अलायंस, नॉन ऑफिशियल अलायंस है सर, बीआरएस पार्टी भी इस ऑपोजिशन अलायंस के लिए कोशिश कर रही है, नॉन ऑफिशियल अलायंस के लिए, क्या अगर वहाँ से अप्रोच होगा तो आप साथ देंगे? नहीं, अभी तक तो कोई मेरे से अप्रोच नहीं हुआ बीआरएस की तरफ से, ना मेरी कोई उनसे बातचीत हुई है। जब ऐसा कुछ अप्रोच होगा, बातचीत होगा, मैं इमीडिएटली आप लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बोल दूंगा। अभी तक तो नहीं हुआ है। बीआरएस के अध्यक्ष आपके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी औरंगाबाद में, आपकी पार्टी के सांसद वहाँ जाके मीटिंग कर रहे हैं। अब उनको कहीं भी जा सकते वो तो फिर हाँ, मैं भी असेंबली चुनाव होगा तो मैं भी जाऊँगा ना। कहाँ जाएंगे सर? कहीं भी जाऊँगा मैं, जैसा उन्होंने जा रहे मैं भी जाऊँगा, तो उनको अख्तियार है। हमारे को ऐसा नहीं है, देखिए वो जाना चाह रहे, अच्छा है, औरंगाबाद जाना चाहिए। आपके साथ अरे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इंशाल्लाह इम्तियाज जलील दोबारा जीतेंगे। हम तो अच्छा करें केसीआर वहाँ पर गए, उनको जाना चाहिए। वो नांदेड़ में थे, भोकर में थे, अब औरंगाबाद गए हैं, बहुत से अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, उनको पार्टी को बढ़ाने का इख्तियार है, कोई उसमें बुरी बात क्या है? बहुत अच्छा है, वो अपनी पार्टी को बढ़ाएं, मैं अपनी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ ना, उसमें मैं क्यों रुकूंगा किसी? बहुत अच्छा है, वो जा रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था औरंगाबाद? नहीं 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 नहीं, हमको क्यों? उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, उनकी पार्टी कर रहे हैं, करने दीजिए ना, पार्टी का प्रोग्राम है। कर्नाटक में अब सिर्फ 3 सीट्स पे ही। अब आप देखिए, अब आप शुरू हो गया, अब 3 पे, अब जब बढ़ के लड़े तो ज्यादा क्यों लड़े, 3 लड़े तो कम क्यों लड़े? अब हम अपनी पार्टी बी टीम वाला आप इस बार मौका नहीं देना चाहते? नहीं नहीं, देखिए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई परवाह नहीं है। लोग पुकारते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। मैं ऐसा ना, मेरी पार्टी ना मैं ऐसा हूँ कि किसी के इस तरह की बातों से हमको कोई फर्क पड़ता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हम पूरे सिंसियर हैं, अटल हैं और ज़िद्दी हैं, उसको हासिल करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अब ये लोग बोलते जाएंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कि उनका काम है बोलना, हमारा काम आगे बढ़ना है।